हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु। तो आज का भी टॉपिक हमारा त्रिविमीय ज्यामिति और एक्सरसाइज 11.2 है, और इसका क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया गया है कि निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने भी देखा था कि निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसमें रेखा हमारी अलग तरीके की थी और इसमें रेखा हमारी अलग तरीके की है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है एक्स माइनस टू अपॉन में टू इज इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन में फाइव इज इक्वल टू जेड प्लस थ्री अपॉन में माइनस फाइव। ठीक है, और यहाँ पर एक्स प्लस टू अपॉन में माइनस वन इज इक्वल टू वाई माइनस फोर अपॉन में एट इज इक्वल टू जेड माइनस फाइव अपॉन में फोर। ठीक है, ये तो हमें रेखा दी गई, दो रेखा दी गई, तो पहली रेखा हमारी ये है और सेकेंड वाली रेखा हमारी ये है। ठीक है, पहले अब इसमें इस तरीके के क्वेश्चन में अगर हमारी इस टाइप की रेखा आ जाए तो हम सॉल्व करने के लिए इसका तो फॉर्मूला उससे अलग हो जाएगा। ठीक है, पहली बात इसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा, और दूसरी बात इसमें उसमें क्या था कि लैम्डा और म्यू वाली रेखा थी। ठीक है, लैम्डा के साथ जो वेक्टर दिया गया था उसको लिखते थे और म्यू के साथ में जो वेक्टर दिया गया था उसको लिखते थे, बट इसमें क्या है यहाँ पर हमें दिक अनुपात लिखने हैं। ठीक है, पहली रेखा से दिक अनुपात निकालना और सेकेंड वाली रेखा से हमें दिक अनुपात निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे कि दी गई पहली रेखा और पहली रेखा हम लोग लिखेंगे के लिए दिक अनुपात। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, दी गई पहली रेखा के लिए दिक अनुपात, दी गई पहली रेखा के लिए नहीं चल रहा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिखेंगे दी गई पहली रेखा, पहली रेखा हमारी कौन सी है वो लिखेंगे, दी गई पहली रेखा, पहली रेखा कौन सी है, एक्स माइनस टू अपॉन में टू इज इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन में फाइव इज इक्वल टू जेड प्लस थ्री और अपॉन में माइनस का फाइव। ठीक है, ये तो हमारी पहली रेखा हो गई। अब पहली रेखा के लिए दिक अनुपात निकालेंगे। ठीक है, के लिए दिक अनुपात, ठीक है, तो यहां से हम लोग दिक अनुपात निकालेंगे, क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर अपॉन में दिए गए टू फाइव माइनस का फाइव, ठीक है, टू फाइव माइनस का फाइव ना होके यहाँ पर माइनस का थ्री होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है यहाँ पर माइनस का थ्री। ठीक है, क्या दिया गया है, टू फाइव माइनस का थ्री, ये तो हमारी होगी पहली रेखा, ये हमारी पहली रेखा होगी के लिए दिक अनुपात हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, टू फाइव इज इक्वल टू टू फाइव कमा माइनस का थ्री। ठीक है, ये तो हमारे दिक अनुपात हो गए। अब यहाँ पर अब ऐसे लिखेंगे दूसरी रेखा, दूसरी रेखा क्या है हमारी, दूसरी रेखा जो है हमारी वो हम लोग लिख लेंगे एक्स प्लस टू अपॉन में माइनस वन इज इक्वल टू वाई माइनस फोर अपॉन में एट इज इक्वल टू जेड माइनस फाइव अपॉन में फोर के लिए दिक अनुपात। ठीक है, इसमें भी हम लोग दिक अनुपात निकालेंगे, के लिए दिक अनुपात क्या हो जाएगा हमारा, इसमें भी वैसे ही दिक अनुपात होंगे हमारे जैसे फर्स्ट वाली रेखा में थे, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का फोर माइनस का वन एट फोर। ठीक है, माइनस का वन एट और फोर, ये पहली वाली रेखा के दिक अनुपात हो गए टू फाइव माइनस का थ्री। ठीक है, अब हमारी सेकेंड वाली रेखा के दिक अनुपात है माइनस का वन एट और फोर। अब यहाँ पर जो पहली वाली रेखा है उसको उसके जो दिक अनुपात है उनको हम लोग लेट कर लेंगे ए वन बी वन और सी वन। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने लेट किया ए वन बी वन और सी वन, तो ए वन इज इक्वल टू बी वन इज इक्वल टू और सी वन इज इक्वल टू। ठीक है, अब दूसरी वाली रेखा के दिक अनुपात, पहले वाली रेखा के दिक अनुपात है टू फाइव माइनस का थ्री, तो ए वन इज इक्वल टू हो जाएगा टू वी वन इज इक्वल टू हो जाएगा फाइव और सी वन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का थ्री। ठीक है, अब हमारी सेकेंड वाली रेखा ये है, इसके दिक अनुपात हैं तो इनको लेट करेंगे ए टू वी टू और सी टू, तो यहाँ पर हो जाएगा ए टू इज इक्वल टू
बी टू इज इक्वल टू और सी टू इज इक्वल टू, ठीक है, ए टू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का वन और बी टू इज इक्वल टू हो जाएगा एट और सी टू इज इक्वल टू हो जाएगा फोर, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, माना थीटा दी गई रेखाओं के मध्य कोण, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माना दी गई रेखाओं, माना थीटा दी गई रेखाओं के मध्य कोण, ठीक है, इसका कोण क्या हो जाएगा, मध्य कोण इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू होल मॉड ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू प्लस का सी वन इंटू सी टू, ठीक है, और अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर, ठीक है, इंटू सेकेंड रूट में हो जाएगा ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर प्लस का सी टू स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हो गया कि माना थीटा दी गई रेखाओं के मध्य कोण, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होल मॉड ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस का सी वन सी टू, ठीक है, और अपॉन में अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस का सी वन स्क्वायर इन टू अंडर रूट में ए टू स्क्वायर प्लस का बी टू स्क्वायर और प्लस का सी टू स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा हमारा जैसे क्वेश्चन लिखा है बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना, ठीक है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू होल मॉड, ठीक है, ए वन की वैल्यू क्या है टू, ए टू की वैल्यू माइनस का वन प्लस फाइव इंटू एट प्लस माइनस का थ्री इंटू फोर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने अपॉन में अंडर रूट क्या हो गया ए वन का स्क्वायर, ए वन स्क्वायर यानी कि डायरेक्ट करेंगे ए वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर, बी वन का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव प्लस सी वन का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, ठीक है, और सेकंड वाले रूट में हमारा हो जाएगा ए टू का स्क्वायर मतलब कि माइनस वन का स्क्वायर वन, एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर और फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, ठीक है। ये हमारा हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर इसको रूट में इसको सॉल्व किया और इसको रूट में सॉल्व किया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू प्लस का फोर्टी और माइनस का ट्वेल्व, ठीक है। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे फोर प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस नाइन, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में थर्टी एट, ठीक है, और इसको जब रूट में सॉल्व करेंगे वन प्लस सिक्सटी फोर प्लस का सिक्सटीन, ये हमारा रूट में एट्टी वन हो जाएगा, ठीक है। और ये अब ऊपर लिखा हुआ माइनस का टू और माइनस का ट्वेल्व यानी कि माइनस का फोर्टीन फोर्टीन हो गया, और फोर्टी में से माइनस का फोर्टीन गया तो कितना बचा ट्वेंटी सिक्स, ठीक है, तो यहाँ पर बचा ट्वेंटी सिक्स और यहाँ पर रूट में एट्टी वन है, तो यहाँ पर हो जाएगा नाइन रूट में थर्टी एट, ठीक है। क्या हो गया, ये नाइन का रूट हो गया और यहाँ पर ये हो गया रूट में थर्टी एट, इसको ऐसे ही लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स अपॉन में नाइन रूट थर्टी एट, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स ट्वेंटी सिक्स अपॉन में नाइन रूट थर्टी एट, ठीक है। ये तो हमारा थीटा आ गया और यही हमारा आंसर है, तो यही हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी और थीटा की वैल्यू हमारी आ गई कॉस इनवर्स 26 अपॉन में 9 रूट 38। क्या किया, जो पहली रेखा थी उससे हमने पहली रेखा से दीर्घ अनुपात निकाले,
तो उसको लेट किया ए वन बी वन और सी वन, और सेकेंड वाले रेखा से हमने दिक अनुपात निकाले उनको लेट किया ए टू वी टू और सी टू। ठीक है, जब ए टू वी टू और ए वन बी वन सी वन ए टू वी टू सी टू निकाल लिए तो यहाँ पर हो गया फॉर्मूला लिखा माना थीटा दी गई रेखाओं के मध्य का कोण। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वन बी वन ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू। ठीक है, ये याद रखना ए वन बी वन नहीं है, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस का सी वन सी टू और अपॉन में यहाँ पर अंडर रूट ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर और प्लस का सी वन का स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड वाले रूट में ए टू का स्क्वायर प्लस का बी टू का स्क्वायर और प्लस का सी टू का स्क्वायर, इनकी वैल्यू पुट की तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आया 26 अपॉन में 9 रूट 38। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू आया कॉस इनवर्स 26 अपॉन में 9 रूट 38। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है। और सेकेंड जो क्वेश्चन होगा सेम इसी टाइप का क्वेश्चन होगा तो वो हम लिख देंगे क्वेश्चन और उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया और इसमें भी हमें इनके मध्य कोण फाइंड करना है यानी कि एंगल फाइंड करना है। और क्वेश्चन दिया गया है कि x अपॉन में 2 इज इक्वल टू y अपॉन 2 इज इक्वल टू z अपॉन में 1 और x माइनस 5 अपॉन में 4 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन में 1 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन में 8। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे कि दी गई पहली रेखा से दिक कोसाइन निकालेंगे, दिक अनुपात निकालेंगे और सेकेंड वाली रेखा से दिक अनुपात निकालेंगे, उनको पहली वाली जो रेखा के दिक अनुपात होंगे उनको ए वन बी वन और सी वन लेट करेंगे, सेकेंड वाली रेखा के जो दिक अनुपात होंगे उनको ए टू वी टू और सी टू लेट करेंगे। ठीक है, फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और हमारा थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा। तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।